मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल प्लेस गाल श्रीलंका। ये जो आप बोट्स देख रहे हो ये श्रीलंका के फिशरमैन की बोट है, थोड़ी अलग टाइप की है। जैसे इधर तो हो गया बोट का मेन पार्ट और बैलेंस करने के लिए ये दूसरा पार्ट। मैं इंडिया में दो तीन फिशिंग हार्बर पर जा चुका हूँ लेकिन इस टाइप की बोट नहीं देखी है मैंने अभी तक। और जो नेक्स्ट जगह जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ मिरीशा, वहाँ पर मैं इसी चीज़ के लिए जा रहा हूँ। पहली बात तो वहाँ पे वेव्स अच्छी हैं तो आप वहाँ पर सर्फिंग कर सकते हो, और दूसरा वहाँ पर एक फिशिंग हार्बर है। सो आई एम थिंकिंग टू मेक अ वीडियो ऑन द लाइफ ऑफ फिशरमैन। हेलो फिश। भाई साहब मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। स्तुति। आज तो वेव्स यहाँ पर भी बहुत अच्छे हैं, कल इतनी प्यारी नहीं थी। और युद्ध जगह तो अच्छी है और थोड़ा ऊपर 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 चले अब हॉस्टल वापस। ऐसे तो यार यहाँ कितनी देर बैठे रहो, मजे आते ही रहेंगे आपको। लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए पहले जाऊंगा हॉस्टल में, नहाऊंगा और उसके बाद निकलूंगा गाल फोर्ट के लिए। गाल फोर्ट देखने के बाद वापस आऊंगा, सामान उठाऊंगा और निकल जाऊंगा मिरीशा के लिए। एकदम नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ। बाकी गाइस अगर आप गाल आते हो तो बैकपैक बीच हॉस्टल, इनकी किचन भी बहुत अच्छी है, खाना बड़ा अच्छा मिलता है यहाँ पर। अगर आप कभी भी गाल आते हो तो बैकपैक बीच हॉस्टल में रुक सकते हो। प्राइस है इनका $4 पर नाइट। सिटी में जा रहा हूँ यहाँ की लोकल बसेस में। पहुँच गए डच फोर्ट, विच इज इन द बिगिनिंग डच फोर्ट, जो स्टार्टिंग में पहले पोर्तुगीज ने बनवाया, उसके बाद डच ने और अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया इसको। Entering into Dutch Fort. जो नीचे सेल्स बनी हुई थी वो जेल थे उस टाइम पर। राइट साइड में इंडियन ओशन, सामने इंटरनेशनल स्टेडियम और लेफ्ट साइड में फोर्ट का क्लॉक टावर। यार मेरे को एक बात बोलनी थी, और वो बात पता है क्या है? देखो यूरोपियन ने अफ्रीका के ऊपर रूल किया, एशिया के ऊपर रूल किया और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इन सब के ऊपर रूल किया, और अब ये हम सबको उनके कंट्री में एंटर होने के लिए इतने वो तगड़े तगड़े वीज़ा फॉर्म बना रखे हैं। देखो पहले उन्होंने हमारी लूट मार करके इतनी बुरी हालत कर दी और वो अब हमें वीज़ा भी नहीं देते उनकी कंट्री में एंटर होने का। मतलब कि दोनों टाइम पे घाटा किसका हुआ? हमारा। पहले हम लुटे और अब वो एंट्री भी नहीं दे रहे उनकी कंट्री में। सही खेल गए। मैंने यूरोपियन फोर्ट्स एशिया के काफ़ी जगहों पे देखे हैं, ईरान में देखा था, अपने इंडिया में तो है ही और शायद एक दो कम्बोडिया में भी है। पर सबसे मज़े की बात क्या है, इंडिया के अंदर सबसे पहले आए थे पुर्तगीज़ 1498 के अंदर,
वास्को डी गामा ने इंडिया का जो रूट था वो डिस्कवर कर दिया था कि भाई यहाँ से इंडिया पहुँच सकते हैं। लेकिन पोर्तुगीज इंडिया में ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। हाँ, गोवा हमेशा से पोर्तुगीज की कॉलोनी रही, लेकिन फिर पोर्तुगीज के बाद शायद डच आए थे या फ्रेंच आए थे, इसमें कन्फ्यूजन है मेरे को। तीसरे नंबर पर पक्का ब्रिटिशर्स आए थे, अब चौथे पे भी इसमें भी कन्फ्यूजन है। और शायद इंडिया में डेनमार्क से भी आए थे यूरोपियन बाया सी रूट। ये बात नहीं है कि इंडियन ट्रेडर्स बाहर नहीं जाते थे, इंडियन ट्रेडर्स भी बाहर जाते थे, लेकिन एक चीज़ के ऊपर हम प्राउडली बोल सकते हैं कि इंडिया ने किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया, ना किसी को हथियाने की कोशिश की। हमेशा से अपने काम से काम मतलब रखते थे और आ जाते थे। लेकिन यूरोपियन जहाँ पे गए उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आप साउथ अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, जो वहाँ पर ट्राइब्स होती थी इंका तो अभी वो थोड़े बहुत बचे हुए हैं जैसे पेरू में, लेकिन वो वाली बात नहीं है यार। जैसे स्पेनिश वहाँ पे गए, फिर पोर्तुगीज गए, फिर ऊपर कनाडा और यूएसए में फ्रेंच के बाद जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाइयाँ हुई, बाद में फिर वो फ्रीडम, बहुत स्ट्रगल हुए हैं यार। फोर्ट के अंदर काफ़ी लोग रहते भी हैं, लेकिन मेनली ये एक कॉमर्शियल प्लेस बनी हुई है। ज़्यादातर आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, कैफेज़ मिलेंगे, दबा के चाइनीज़ टूरिस्ट आ रखे हैं भाई। चाइनीज़ टूरिस्ट की एक अलग ही पहचान होती है, हाथ में आईफोन, सर के ऊपर हैट, फंकी से कपड़े। मैं जजमेंटल और रेसिस्ट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन है यार ये थोड़ा सा। तो गाइस, अगर आप गाल आते हो और आपको सबसे साफ पानी, क्रिस्टल क्लियर वाटर चाहिए स्विमिंग के लिए, तो गाल फोर्ट के पास जो बीच है वहाँ पर आ जाना। बाकी मैं 2-3 बीच पर गया था, बीच अच्छे हैं लेकिन वहाँ पर पानी उतना साफ नहीं है, मतलब कि मडी वाटर हो जाता है। गाल फोर्ट बीच, बाकी गाल फोर्ट के अंदर आपको हॉस्टल भी मिल जाएंगे, लेकिन वो हॉस्टल अगर आप बाहर स्टे करोगे तो लगभग $4-5 में आपको हॉस्टल मिल जाएंगे, लेकिन गाल फोर्ट के अंदर मिनिमम $10-12 लग जाएंगे आपके एक स्टे के। उस कैमरे की बैटरी लो हुई थी तो अब गोप्रो से करेंगे। अब जा रहा हूँ मेरिसा। थोड़ा बारिश वाला मौसम हो रखा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं बस स्टैंड तक पहुँचाऊँ, उससे पहले कुछ ना हो। गोइंग टू ट्रेन स्टेशन। और आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई हिचहाइक क्यों नहीं कर रहा यार, इस एरिया में हिचहाइक करने का मन नहीं कर रहा, करूँगा मैं, लेकिन कहाँ पर, पहाड़ों में। यहाँ पर पता नहीं यार, वो फील नहीं आ रही कि हिचहाइक करूँ। ट्रेन अच्छी है ना। अभी जो ट्रेन आ रही है मातारा तक जा रही है, और मातारा की एक्सप्रेस ट्रेन है तो मिरिसा नहीं रुकेगी, ये ट्रेन रुकेगी वेलिगमा। वेलिगमा से मुझे उतर के बस पकड़ के मिरिसा तक पहुंचना पड़ेगा। और ये रही यहाँ के टिकट, श्रीलंकन ₹35। तो अब कर लो आप इसको 2.5 से डिवाइड कि 30 किलोमीटर्स के लिए एक्सप्रेस ट्रेन में इतना चार्ज लगता है। ऐसा लग रहा है कुछ लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत में, तो पंडित जी अपने नहीं पढ़ते फेरों के टाइम पर। वेलिगामा, वेलिगामा जैक, हिंदी आता है आपको? भाई साहब को हिंदी आता है। वेलिगामा नहीं रुकेगा। तो कहाँ रुकेगा? ये आंगामा। वेलिगामा नहीं रुकेगा? नहीं नहीं रुकेगा, आ जाएगा। जाएगा नहीं, आ जाएगा। ओके, स्तुति। ठीक है, स्तुति। हां, हिंदी बात करता है ना। हां, हिंदी आता है आपको? चलने के लिए तैयार।
विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, इनको भी सचिन पसंद नहीं है भाई, विराट कोहली पसंद है, लेकिन सचिन इज द बेस्ट। जयवर्धने और संगकारा, जयवर्धने संगकारा, अट्टापट्टू और जयसूर्या, मलिंगा या वास, मलिंगा, बट मलिंगा नाउ। अब इनसे बात कर रहा हूँ कि मलिंगा फिट नहीं है उतना, पहले यार मलिंगा एक ओवर में 6-6 यॉर्कर मार देता था, लेकिन अब वो टाइम गया मलिंगा का। So, हमारी राइड स्टार्ट हो गई है फ्रॉम गाल टू मेरिसा, मेरिसा तक डायरेक्ट ट्रेन जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं, तो मुझे वैलीगाम उतर के फिर बस पकड़ के जाना पड़ेगा, और टनल आ रही है अभी। स्टेशन वैलीगामा पर भी अच्छे बीच हैं, लेकिन मेरे सामने मुझे एक और काम है ब्रदर, मेरे साथ बस मेरे साथ। और हाँ, श्रीलंका की ट्रेन एकदम टाइम के ऊपर चलती है। ये आ गई बस वैलीगामा की, तो यहाँ की बसेस में गाने बड़े मस्त मस्त चलते रहते हैं ऑर्केस्ट्रा वाले। बस में जगह मिल गई, अब मेरे को मेरा हॉस्टल देखना है कि कहाँ पड़ेगा। हॉस्टल ऑलरेडी बुक कर लिया है मैंने, कितने में, 650 श्रीलंकन रुपीस। गुड सॉन्ग्स, सॉन्ग्स आर नाइस, सॉन्ग सुनिए। बाय बाय ना, अरे बाय बाय। पहुंच गया मेरे साथ, और अब मुझे यहाँ से लोकेशन देख के मेरे हॉस्टल तक पहुँचना है। उस हॉस्टल के बाहर लगभग 15 मिनट खड़ा रहा, बैल बजाता रहा, किसी ने गेट नहीं खोला। फिर मैंने दोबारा हॉस्टल वर्ल्ड खोल के देखा तो एक दूसरा हॉस्टल मिला है, गोइंग होम। अभी तक बुक नहीं किया है, जाके इनसे बात करूँगा और देखते हैं कि भाई क्या प्राइस मिलता क्या नहीं मिलता। माई रूम एंड मेरे साथ, इससे पहले जो रूम बुक किया था उसके प्राइस थे 750 श्रीलंकन रुपीस, और इसका प्राइस है दुगना 1400 रुपये। लेकिन ये एसी रूम है और हॉस्टल सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को यार। लेकिन यार इस डोमेट्री के लिए मैं पे कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 530 रुपीस। नीचे वाला बेड है मेरा, वो रखा सामान। और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक बात और पता चली है, मेरिसा के अंदर जो सर्फिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। सर्फिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा वेलिगमा। ये हॉस्टल की किचन थी, अगर आप बाहर रेस्टोरेंट या कहीं पर नहीं खाना चाहते, आप खुद खाना बनाना चाहते हो, तो इस किचन के अंदर आप बना सकते हो। आपको गैस सब सारी चीज़ें किचन के अंदर मिल जाएंगी। हाँ भाई, जो चीज़ बना रहे हो वो आपको खरीद के लेके आनी पड़ेगी, लेकिन जैसे प्लेट, नाइफ, जो भी चीज़ आपको चाहिए खाना बनाने के लिए, वो आपको किचन में मिल जाएगी।
हॉस्टल का नाम है ओम हॉस्टल एंड मेरिसा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे अपनी रीच बढ़ेगी, अपनी रीच बढ़ेगी तो मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट और लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं डीप डाउन जितने एक्सपीरियंस हो सके हर एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सो बस गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।